हाय, वेलकम टू विराट बात। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कॉर्ड्स। कम से कम तीन नोट्स का कॉम्बिनेशन जो कि सिंगिंग के बैकग्राउंड में बजाया जाता है कॉर्ड्स कहलाता है। कॉर्ड्स के अंदर कम से कम तीन नोट्स होती हैं, इसके अलावा तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लाइक फोर नोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्ड में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है सी मेजर। सी मेजर के तीन नोट्स जो चाहिए होंगे वो है सी ई एंड जी, यानी कि जहाँ भी सी ई एंड जी नोट्स इकट्ठे बजे वो सी कॉर्ड कहलाएगी। अब हम कॉर्ड बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास से ओपन इज ई, फर्स्ट थिंग ओपन इज ई। तो तीन नोट्स में से एक नोट हमें मिल चुका है ई। अब हमारी रिक्वायरमेंट है सी एंड जी। अगर हम सेकंड स्ट्रिंग को फर्स्ट फ्रेट पर पकड़ लें, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, तो ये नोट आपका बन जाता है सी। तो हमारे दो नोट्स पूरे हो गए सी एंड ई। और जो थर्ड स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी जी है, तो सी ई एंड जी। अगर आप तीन स्ट्रिंग में सिर्फ ये फिंगर यहाँ रख दें और नीचे की तीन स्ट्रिंग प्ले करें तो वो सी कॉर्ड कहलाएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में ये वाला सी कॉर्ड पकड़ के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि फोर्थ स्ट्रिंग को भी इंक्लूड किया जाए तो मैं सेकंड फिंगर को इस नोट पर रखूंगा, दिस इज ई, और हमारी फोर्थ सिंगर भी सी कॉर्ड के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो थ्री। अब मैं चाहता हूँ कि पांचवी स्ट्रिंग को भी इंक्लूड किया जाए, तो अगर मैं थर्ड फिंगर को थर्ड फ्रेट पर रख दूं तो ये सी नोट कहलाता है, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। और ऊपर की जो स्ट्रिंग है सिक्स स्ट्रिंग वो ऑलरेडी ई ओपन है, तो इस तरह से हमें छह स्ट्रिंग पे सी कॉर्ड मिल जाता है। अब आप इस कॉर्ड को ध्यान से देखें, इसके अंदर कोई भी नोट सी ई जी से बाहर नहीं है। दिस इज ई, दिस इज जी, जी ई, ई ए, दिस इज सी कॉर्ड, सी मेजर। अब एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आप सिक्स स्ट्रिंग को नोट करें, सिक्स स्ट्रिंग ओपन इज जी, लेकिन अगर मैं इस फिंगर को, इस नोट को पकड़ लूं तो ये जी कहलाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अपने फिंगर्स को आपस में चेंज कर लूंगा और फोर्थ फिंगर को नीचे रखूंगा सी पे और सिक्स स्ट्रिंग को पकड़ूंगा थर्ड फिंगर से, तो ये भी सी का ही एक फॉर्म है। इसके अलावा अगर आप नीचे की जी पकड़ लें तो ये भी सी कॉर्ड है। ये सारी पोजीशन ओपन कॉर्ड कहलाती है, क्योंकि सी की और भी पोजीशन हैं जहां पे ओपन नोट्स नहीं आएंगे, तो ये जितने भी सी मैंने आपको बताया ये ओपन कॉर्ड कहलाती है। तो दिस इज ओपन सी। तो आप इस सी को जब आप जाने की प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको नेक्स्ट कॉर्ड बताऊंगा।